चार ऑप्शन अरुणोराज, अजय राज, विग्रह राज और पृथ्वीराज। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर तीन विग्रह राज फोर्थ होगा। दोस्तों विग्रह राज फोर्थ, जिसे हम बीसल देव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीसल देव। दोस्तों बीसल देव एक पराक्रमी राजा है। इसके बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दिल्ली को अपने अधिकार में लेने वाला पहला चौहान वंशीय राजा, यानी इसने दिल्ली को जीत लिया, अर्थात दिल्ली के तोमरों को हराया। तोमरों को हराकर क्या कर लिया इसने? दिल्ली पर अधिकार कर लिया। यार इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका कार्यकाल मैंने आपको पहले ही बताया थोड़ी देर पहले, लगभग 1153 से 1164 के आसपास ये शासन करते हैं विग्रह राज फोर्थ। एक तकड़ी चीज याद रखना, चौहानों के काल में यदि किसी राजा का स्वर्ण काल आपसे पूछ ले तो ये वही है। स्वर्ण काल है चौहानों का, विग्रह राज फोर्थ का। इसमें दो तीन अच्छी अच्छी रचनाएं हैं दोस्तों। एक तो लिख देता हूं मैं, हरिकेली नाटक। दोस्तों हरिकेली जो है वो एक संस्कृत का भाषा में लिखा हुआ नाटक है। दूसरा दोस्तों ललित विग्रह राज, ललित विग्रह राज दोस्तों ये भी एक संस्कृत नाटक है। तीसरा है बीसलदेव रासु, बीसलदेव रासु। ये तीन रचनाएं जो है वो इसके काल की सबसे शानदार रचनाएं मानी जा सकती है। हरिकेली नाटक जो खुद ने लिखा है, स्वयं इसके राइटर है, अर्थात स्वयं ने लिखा है, और यह संस्कृत नाटक है, भाषा संस्कृत। पर यहां याद रखें भाषा इसकी भी संस्कृत है और इसकी भी। ललित विग्रह राज, ललित विग्रह राज इनके दरबार में रहने वाला एक व्यक्ति कवि है जिसको हम सोमदेव के नाम से जानते हैं। सोमदेव का एक और नाम मिलता है सोमेंद्र, कई परीक्षाओं में आया है सोमेंद्र, सोमेंद्र नाम, सोमेंद्र नाम आया है। ये सोमदेव या सोमेंद्र है। बीसल देव रासो के रचियता नरपति नाले है, नरपति नाले। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट इनके साथ। एक चीज और याद आ गई है, इन्होंने अढ़ाई दिन का झोंपड़ा जो वर्तमान में है, इसको मूल रूप से एक कॉलेज बनाई थी, एक संस्कृत पाठशाला बनाई थी। तो याद रखें संस्कृत पाठशाला का निर्माण विग्रहराज ने किया अजमेर में। आगे चल करके कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पाठशाला को तुड़वा करके अढ़ाई दिन का झोंपड़ा बनवा दिया। वर्तमान में इस अढ़ाई दिन झोंपड़े में पंजाब शाखा उर्स लगता है, यह भी क्वेश्चन आ चुका है। दोस्तों बीसलपुर नामक स्थान इन्होंने ही बसाया था, जाबालीपुर को ज्वालापुर इन्होंने ही किया था। यह है बीसलदेव। दोस्तों बीसलदेव जिनको हम विग्रहराज चतुर्थ भी कहते हैं, ये सारी कहानी इनकी थी, है ना। तो ये थे आपके, हाँ एक तकड़ी चीज जो हमारा क्वेश्चन वाली, वो बात ये है कि हम जानते हैं कि पृथ्वीराज विजय ने एक बहुत ही बड़ा महाकाव्य लिखा था, जिसको हम क्या कहते हैं, सॉरी जयानक ने, जयानक ने क्या लिखा, जयानक भट्ट ने पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय नामक एक बहुत बड़ा महाकाव्य लिख दिया। दोस्तों इसमें टोटल 12 अध्याय है, 12 अध्याय है, अर्थात सर्ग कितने हैं, 12 है पृथ्वीराज विजय। यह संस्कृत भाषा का महाकाव्य है। इसमें स्पष्ट शब्दों में उल्लेख है कि कवि बांधव उपाधि दयानक भट्ट ने दी है, दयानक भट्ट ने दी है विग्रह राज चतुर्थ को। दोस्तों इसे कटी बांधव या कवि बांधव भी कहते हैं। यह उपाधि जयानक भट्ट ने दी है, याद रखना यदि कल को क्वेश्चन आ जाए कि बताओ कि कवि बांधव की उपाधि किसने दी, तो आप याद रखें जयानक भट्ट ने, पृथ्वीराज विजय की रचयिता। ठीक है।